हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नीदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं दो DIY फेस पैक्स। और फर्स्ट फेस पैक होगा ड्राई स्किन के लिए एंड सेकंड फेस पैक होगा ऑयली स्किन के लिए। दोनों फेस पैक कोरियन स्किन के रूटीन का एक हिस्सा है। इन दोनों फेस पैक्स का इस्तेमाल आपकी स्किन को रेडिएंट, ग्लोइंग और रिंकल्स फ्री करने में हेल्प आउट करता है। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मैं अपनी हर वीडियो में बहुत से ऐसे DIY फेस पैक्स शेयर करती हूँ जो आप घर पर इजीली बना सकें। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आपके साथ ये फेस पैक्स शेयर करती हूँ ताकि आपको इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो आज के फेस पैक का मेन इंग्रेडिएंट है एग यानी अंडा। अंडे का आपके चेहरे पर इस्तेमाल ना सिर्फ आपके चेहरे को बहुत ज्यादा ग्लो देता है बल्कि ये आपके स्किन को टाइटन अप करने में हेल्प आउट करता है। ये आपके स्किन से एजिंग के साइंस को डिले करता है। अगर आपको लार्ज ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है तो ये आपके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करके आपके स्किन को टाइटन करता है। इन शॉर्ट, ये फेस पैक्स आपकी स्किन को रेडिएंट, ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग बनाने में हेल्प आउट करते हैं। साथ ही साथ ये आपके स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करके आपकी स्किन को टाइटन अप करते हैं। तो ये फेस पैक्स फेस लिफ्टिंग का काम करते हैं। चलिए जल्दी से आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फेस पैक है फॉर ड्राई स्किन। सबसे पहले आपको चाहिए एक टमाटर। टमाटर के बारे में आप जानते हैं कि ये आपके स्किन के लिए कितने ज्यादा बेनिफिट्स रखता है। इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। तो एक टमाटर को ग्रेट करने के बाद इसका जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम एक एग लेंगे। एग योक और एग वाइट को सेपरेट कर लेंगे। अब देख सकते हैं मैंने एग योक और एग व्हाइट को अलग अलग बॉल में सेपरेट कर लिया है। ड्राई स्किन फेस पैक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एग योक का। एग योक हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स रखती है। एग योक में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा मौजूद होती है और इसके साथ साथ फैट्स की मिकदार मौजूद होती है। ये कॉम्बिनेशन इसको स्ट्रॉन्ग वाटर बाइंडिंग एजेंट बनाता है जो आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करता है और इस तरह से ये आपकी स्किन को स्मूथ और सपल बनाता है। तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और फ्लेकी होती है, ये फेस पैक उनके लिए बहुत ज्यादा वंडरफुल है। अब एग योक के अंदर हम ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून बेसन, 3 टेबलस्पून टोमेटो जूस। अब थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करके हम एक थिक पेस्ट बना लेंगे। तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा फेस पैक रेडी है। अब आप इसका एक थिक कोट अपने फेस पर अप्लाई कर लें और तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद इसको वॉश करने के लिए आप ल्यूक वार्म यानी नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस फेस पैक का एक ही इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और रेडिएंट नजर आएगी। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो इस फेस पैक को वीक में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को एकदम बेबी सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में हेल्प आउट करेगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेस पैक की तरफ जो है ऑयली स्किन के लिए। इसके लिए आपको चाहिए है एग वाइट। एग वाइट को अच्छी तरह से बीट कर लें और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन जूस और 1 टेबलस्पून ऑफ टोमेटो जूस। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कर लें। ये फेस पैक आपकी फेस लिफ्टिंग में हेल्प आउट करता है और आपकी स्किन को टाइटन अप करने में हेल्प आउट करता है। इसके साथ साथ ये आपके स्किन को एक बहुत अमेजिंग ग्लो देता है। तो आप इस फेस पैक को अप्लाई करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दें और 15 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से अपना फेस वॉश कर लें। तो ये था हमारा ऑयली स्किन फेस पैक। ये फेस पैक आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन को रेडिएंट, स्पॉटलेस और क्लियर बनाने में हेल्प आउट करेगा। क्योंकि अंडे में बेशुमार न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों को भी बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इन फेस पैक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये दोनों फेस पैक हाईली इफेक्टिव हैं और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।